इन दिनों भिलाई के नेहरू नगर में सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। नेहरू नगर चौक में एक भव्य घड़ी का निर्माण किया गया है। शहर के व्यस्ततम चौराहों में से एक नेहरू नगर चौक में 24 घंटे हजारों वाहनों का आना जाना लगा रहता है। चौक के किनारे हो रहे इस निर्माण कार्य के कारण आम जनता को खासी परेशानियों का सामना करते देखा जा रहा है। दिन भर में दर्जनों बार यहाँ जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। सर्विस लेन एवं मेन रोड में हर समय दुर्घटना का भय बना रहता है। निगम महापौर नीरज पाल ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया इस मामले में इस प्रकार से दी है। देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था तो पूरी तरह से वहाँ चरमराई हुई थी नेहरू नगर चौक में। दो तरफ रोड बनने से बहुत आसान हुआ है। अब थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि वहाँ अभी काम चल रहा है, वो काम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वहाँ का नेहरू नगर चौक का, तो ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू हो जाएगी। अब वो तो देख के जाना पड़ेगा। ऐसे तो इस सेक्टर में अपने हर रोड में जा रहा, बिना देखे जाएंगे तो टकराएंगे। वो तो देख के चलना ही पड़ेगा ना, हर जगह पे सिग्नल तो लग नहीं सकता है। तो वो सर्विस रोड है, सर्विस रोड से जब मेन रोड पर कहीं पर भी आप आएंगे तो आपको खुद अपनी उसको अलर्ट हो। मान लो ये मेन रोड सेंट्रल एवेन्यू है, यहाँ से जो जा रहा है वो नहीं देखेगा तो टकराएगा ही ना उससे। वो सर्विस रोड है जो आपकी प्रियदर्शनी परिसर से मेन रोड में आ रही है, तो उसको अपना देख के लेफ्ट राइट देख के पार करना है। जी, पूरा पुख्ता इंतजाम करेंगे, निश्चिंत रहिए आप, उसके लिए कोई वो नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए हमने वो किया।